प्याज किचन शो में आप सबका स्वागत है। आज हम सूखी गोभी आलू की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए फूलगोभी को हम गर्म पानी में उबालकर धो के साफ कर लिए हैं और चार पांच आलू को लंबे आकार में काट लिए हैं। गोभी 1 kg है। अब हम 3 प्याज, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4-5 कली लहसुन, 2 टमाटर, 4-5 हरी मिर्च और धनिया पत्ती काट के रख लिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इसमें हम 5 फोरन डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे, कटे हुए लहसुन अदरक डालेंगे, कटे हुए प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और इसे हम ब्राउन होने तक भुनेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब कटे हुए गोभी और आलू हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे हम अच्छे से भुनेंगे। मेरी रेसिपीज आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसे कुछ देर हम ढक कर छोड़ देंगे जिससे गोभी और आलू पक जाए। अब इसे हम अच्छे से भुनेंगे और आलू और गोभी दोनों पक चुके हैं। अब हम कुछ मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसे अच्छे से हम मसाले को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। फ्लेम हम लो रखेंगे। 1 चम्मच हम किचन किंग मसाला डालेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। 2 प्याज रफली चॉप किए हुए हम डालेंगे। कटे हुए धनिया पत्ती से हम गार्निश करेंगे। टेस्टी गोभी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। यह सब्जी झटपट से बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से हम हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप पूड़ी, पराठे, रोटी के साथ खा सकते हैं। इसे आप लंच में भी पैक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।